कोमल रिजवी पाकिस्तान की जानी मानी गुलूकारा और अदाकारा हैं, जो कि सरहद के उस पार भी काम कर चुकी हैं। कोमल रिजवी ने पहले तो कभी अपनी जाती जिंदगी के बारे में बात नहीं की, लेकिन अब जब उन्होंने अपनी जिंदगी से मुतल्लिक कुछ हकाइक से पर्दा हटाया तो सब हैरान परेशान रह गए। कोमल ने बताया कि वो शादी के बाद ओमान चली गईं। वहाँ इनकी जिंदगी बहुत दुश्वार थी। उनके खावन ज़हनी मरीज थे, जो मारपीट करने के अलावा इन्हें खाने को भी नहीं देते थे। कोमल ने काफी अरसा ऐसे गुजारने के बाद आखिर खाना पकाना सीखा और मुख्तलिफ स्टोर्स पर अपनी बनाई हुई अशिया फरोख करती थी, लेकिन उनके शौहर का सलूक हमेशा उनके साथ बहुत बुरा था। कोमल ने बताया कि वो इस रवैये की इस कदर आदी हो चुकी थी कि जब इनके वालिद ने इन्हें साथ घर लेकर जाना चाहा तो वो जाने को राजी नहीं थी। शादी के कुछ ही दिन बाद कोमल के शौहर ने इन्हें इस बुरी तरह से मारा कि उनकी आंख पर नील पड़ गया, लेकिन फिर भी वो कितने साल इस रिश्ते में बंधी रही। कोमल का सब लड़कियों को यही मशवरा है कि वो कोई ना कोई हुनर ज़रूर सीखे, ताकि अगर ज़िंदगी में कभी मुश्किल वक्त आए तो वो कम अज़ कम अपने लिए कुछ कमा सकें। कोमल ने पहली बार अपनी ज़िंदगी की ये हकीकत सबके साथ शेयर की और लोग ये सब सुनकर हैरान रह गए। कोमल वाकई ही एक मजबूत खातून है, जिन्होंने ये सब सहकर भी हिम्मत नहीं हारी। अपनी राय का इजहार जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।